सिलीगुड़ी में पंचमी से यातायात नियम लागू हो रहे हैं, जिसके अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान कई रूटों में बदलाव और नो एंट्री के समय निर्धारित कर दिए गए हैं। दरअसल पूजा में ज्यादातर लोग पंचमी से पंडाल घूमने के लिए निकलते हैं, इसलिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने इस बार पूजा के पंचमी और षष्ठी यानी कि दो दिन शाम 4 बजे से सुबह के 2 बजे तक शहर के मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर नो एंट्री लगा दी है। इसके अलावा सप्तमी से दशमी के 4 दिनों तक शाम 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक भी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं विसर्जन के 2 दिन शाम 4 बजे से सुबह तक यह नियम जारी रहेगा, जबकि ई रिक्शा पूजा के दौरान मुख्य सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। वहीं बाहरी राज्य के बसों की आवाजाही के लिए नई रूट तय कर दी गई है, जिसके अनुसार सिक्किम जाने वाली वाहन SNT के बजाय PC मित्तल से चलेगी। वहीं बाहरी राज्यों की बसें नौकाघाट से खुलेगी, जबकि पाइन टेंगी और खोरीबारी जाने वाली बसें 3:32 से आवाजाही करेगी। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।